हेलो एवरीवन अ वेरी वॉर्म वेलकम ऑन माय चैनल हाउस ऑफ कलाकृति दिस इज़ श्रुति आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ कुछ अमेजिंग किचन फाइन्स जो काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस रेंज में आपको मिलेंगे तो सबसे पहले आप लोगों के साथ अनबॉक्सिंग कर रही हूँ ये किचन काउंटर टॉप ऑर्गेनाइजर जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा आप इसको एज अ सिंक ऑर्गेनाइजर भी यूज़ कर सकते हो और अपने काउंटर टॉप पर भी ये किचन काउंटर टॉप ऑर्गेनाइजर मैं इसलिए रिकमेंड कर रही हूँ क्योंकि ये स्लाइडिंग है और प्लस इसमें बहुत ज़्यादा स्पेस आती है आपको काफी अच्छी ड्यूरेबिलिटी के साथ मिलता है ऑल्दो ये प्लास्टिक मटेरियल है बट इसकी स्ट्रेंथ काफी अच्छी है इसके अंदर आपको इस तरीके के पार्टीशंस मिलते हैं जिससे आप सेग्रीगेट कर सकते हो अपने कंपार्टमेंट्स को। सो दिस टाइम आई हैव दिस एज माई किचन हेल्पर जिसके अंदर मैं अपने बोल्स स्नैक प्लेट्स या फिर क्वार्टर प्लेट्स को बहुत अच्छे से स्टैक कर सकती हूँ इसमें काफ़ी अच्छी स्पेस दे रखी है साइड में नाइफ होल्डर है प्लस आप अपनी ऑयल डिस्पेंसर्स को रख सकते हो डेकोर एलिमेंट रख सकते हो और प्लस आपको स्लाइडिंग मिलता है हैवी वेट की प्लेट्स रखी हैं मैं आप लोगों के साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि ड्यूरेबिलिटी चेक करा रही हूँ आप लोगों के साथ कि आपको बाद में ना लगे कि भाई प्लास्टिक मटीरियल है इतना अच्छा नहीं होगा क्वालिटी बहुत अच्छी है काफ़ी स्पेस मिलती है अगर आप अपने किचन टॉप को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं स्पेस सेविंग ऑर्गेनाइज़र के लिए तो आप डेफिनेटली ये वाला चेकआउट कर सकते हो आपको लेफ़्ट एंड साइड में हुक्स मिलते हैं जो आप यूज़ कर सकते हो अपने किचन आइटम्स को हैंग करने के लिए ये ऑर्गेनाइज़र मल्टी फंक्शनल है इसको आप एज़ अ किचन काउंटर टॉप ऑर्गेनाइज़र यूज़ कर सकते हो प्लस आप चाहो तो इसे एज अ सिंक ऑर्गेनाइजर भी यूज कर सकते हो। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट हम सभी के लिए कि हम राइट ऑर्गेनाइजर चूज करें अपने किचन के लिए या फिर अपने घर के लिए इसी तरीके से मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ होम फाइंड ये एक अमेजिंग सा होम ऑर्गेनाइजर है आप इसमें अपने बच्चों के टॉयज़ बुक्स बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकते हो रोटेटिंग व्हील्स हैं जो आपको इसके साथ मिलते हैं और इसको इंस्टॉल करना बेहद आसान है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग और स्टडी है पोर्टेबल है बच्चे इसको किसी भी बेडरूम में लेके जाकर खेल सकते हैं इसमें बच्चे खुद ही बहुत इंजॉय करते हैं अपने टॉयज को ऑर्गेनाइज करना छोटे छोटे ऑर्गेनाइज़र्स उनको भी रेडी करता है अपने घर को अपने कमरे को कैसे ऑर्गेनाइज करके रखना है और ब्यूटिफाई करना है तो चलिए आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ बहुत ही प्यारे प्यारे प्रोडक्ट्स ये बहुत ही अच्छा और सुंदर सा वॉशरूम ऑर्गेनाइज़र है जो आपको बहुत ही फैंसी डिज़ाइन में मिला है फेस वेसेज हैं जिसमें आपको एक डिस्पेंसर मिल रहा है सोप डिस्पेंसर एक टूथब्रश होल्डर और एक एक्स्ट्रा वेस होल्डर जिसमें आप अपने एसेंशियल आइटम्स रख सकते सकते हो हो या फिर उसे डेकोर के के लिए भी यूज कर सकते हो। मुझे ये के पेस्टल कलर कॉम्बिनेशन के अंदर सेट ऑफ थ्री वेसेस बहुत सुंदर लगे और काफी अट्रैक्टिव भी सो नाउ इट्स टाइम फॉर मी टू कम बैक अगेन ऑन किचन ऑर्गेनाइजेशन जहां पे मुझे इतने सुंदर और खूबसूरत सेट ऑफ सिक्स के अंदर ये सेरेमिक बोल्स मिले हैं दीज आर फ्राम नेस्टेशिया ब्रांड और क्वालिटी में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है लाइट एंड वेट है कलर कॉम्बिनेशन इतना आई कैचिंग है इंटिको मस्टर्ड एंड वाइट बेस ये थ्री कलर्स से इतने प्यारे प्यारे प्रिंट्स दे रखे हैं जो बहुत ही सटल लग रहे हैं और बहुत ज़्यादा प्रीमियम भी आप इसको बहुत अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हो ये मैंने मल्टी फंक्शनल तरीके से मैं इसको यूज़ करने वाली हूँ एज अ स्नैक्स बोल यूज़ कर सकती हूँ मैं डिज़र्ट्स के लिए यूज़ कर सकती हूँ क्योंकि डेप्थ बहुत अच्छी है और अगर मैं चाहूँ तो इनको डिनर प्लेट्स के साथ डिनर बोल्स की तरह भी मैं इसे यूज़ कर सकती हूँ अगेन डेप्थ बहुत अच्छी है तो मुझे तो बहुत पसंद आए आई रियली लव दैम नाउ इट्स टाइम फॉर मी टू शो यू समी अमेजिंग फेमोरा के बोरोसिलिकेट स्टोरेज ग्लास कंटेनर्स जो मुझे बहुत अच्छे लगे आपको मिलते हैं सिलिकॉन बेस के साथ क्वालिटी बहुत अच्छी है स्ट्रॉग और स्टडी है एयरटाइट स्टोरेज कंटेनर्स हैं ये काफ़ी स्लीक है मानती हूँ कि थोड़े ग्लास जार्स फ्रिजाइल होते हैं बट बाद में यूज़ करते करते आपको आदत पड़ जाती है और आपको अपने किचन में बहुत खूबसूरत लगते हैं और आप अपने सारे प्लास्टिक कंटेनर्स को रिप्लेस कर देते हो विद ग्लास कंटेनर्स के साथ आपको इसके साथ एक लेबलिंग भी मिलती है अब बात करते हैं कैपेसिटी की ये मिलता है आपको थर्टीन हंड्रेड कैपेसिटी के साथ ये सेट ऑफ टू के अंदर है ट्रांसपेरेंट है तो बहुत इजी रहता है सी थ्रू देखना आसान रहता है प्लस आपको इसे यूज करने में काफी ईजी लगता है कन्वीनियंट है क्योंकि वाइट माउथ है आप इजिली पोर कर सकते हैं और इसमें मार्किंग्स भी दे रखी है सो so दैट आप चेकआउट भी कर सकते हो कि आपने कितनी कैपेसिटी में इसे फिल करा है किचन ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ किचन कुकवेयर बहुत इंपॉर्टेंट होता है किचन हेल्पर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं तो ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट किचन कुकवेयर है जो है स्टेनलेस स्टील का ये इंडस वैली ब्रांड का है ट्राई प्लाई स्टेनलेस स्टील का बना हुआ है स्ट्रॉन्ग और स्टडी है और इसको मैं लास्ट वन वीक से यूज कर रही हूँ मुझे इस कढ़ाई की डेप्थ बहुत अच्छी लगी इट इज सफिशिएंट फॉर स्मॉलर फैमिली इस कढ़ाई में मेरी सब्जी नीचे से लगती भी नहीं है एंड प्लस मुझे इसमें लिड भी मिला हुआ है आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहती हूँ आप में से कितने लोग शौकीन हैं सेरेमिक्स को खरीदने में सेरमिक्स को कलेक्ट करने में डिफरेंट डिफरेंट तरीके के बोल्स प्लेट्स अगर आपको डिजाइन मिलते हैं तो आप में से कितने लोग हैं जो अपने आप को रोक नहीं पाते तो मुझे सेरमिक्स बोल्स इतने पसंद आए ये ये सेट ऑफ फोर में है बहुत लाइट वेट में है जो मुझे सबसे अच्छी बात लगी नेस्टेशिया ब्रांड के हैं अगेन सेट ऑफ फोर में है और जो प्रिंट है ना ये ब्लैक व्हाइट और येलो आउटलाइन के साथ है मेंडेला प्रिंट का एक कॉम्बिनेशन है मुझे बेहद खूबसूरत लगा इसको मैं डिज़र्ट्स में यूज़ करना चाहती हूँ क्योंकि ये फ्लैट बॉटम के हैं एक बेहद खूबसूरत ब्लॉक को ख़त्म करने से पहले मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी ये मेरा लेटेस्ट किचन फाइंड जो मैंने लिया है बोरोसिलिकेट का ये ग्लास केटल है और इसके साथ आपको स्टेनलेस स्टील स्ट्रेनर मिलता है इसके अंदर आप अपनी ग्रीन टी को इन्फ्यूज कर सकते हैं तो इससे आपकी जो ग्रीन टी है बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है और अगर आप फ्रेश ग्रीन टी पीना पसंद करते हैं तो ये मस्ट पाए है और इसको हमेशा जब भी आप गैस स्टोव पे रखें तो धीमी आंच पे ही रखें कभी भी हाई फ्लेम पे बोरोसिलिकेट की ग्लास केटल्स को मत यूज़ कीजिए वैसे ये बेस्ट होती है इंडक्शन्स के लिए आप लोगों के साथ एक इंसिडेंट शेयर करती हूँ मैंने जब शुरू शुरू में ग्लास केटल खरीदा ना तो मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था और मैंने क्या किया मुझे याद ही नहीं था मैंने इसमें पानी पोर किया है या नहीं सीधा गैस स्टोव पे रख दिया और फ्लेम ऑन कर दिया और उसके कुछ ही टाइम में वो ब्रेक हो गया तो जो गलती मैंने की वो आप मत दोहराना और बस आप इस क्लास कैटल के अंदर इंजॉय कर सकते हैं दूध वाली चाय भी और ग्रीन टी भी और इस तरीके से मैं अपना व्लॉग यहाँ पे एंड कर रही हूँ और मैंने बहुत इन्जॉय किया और मौसम बहुत बढ़िया था बारिश हो रखी थी और शूट करने में मज़ा आया और वॉइस ओवर देने में भी मज़ा आया एंड आई होप आप लोगों को भी आज का व्लॉग पसंद आया हो किचन आइटम्स यूजफुल लगे हों लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं शेयर कर दूंगी मिस आउट मत करना मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर टिल दैट टाइम गाइज बाय टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे